मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपके चैनल में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आ गए नए वीडियो के साथ। आज वैसल का लास्ट डे है। जिन निक का चांद लेट आता है, ये बहुत जल्दी आता है। हमारे कुकी बैठे हैं। तो आज लास्ट दिन है हमारे वैसल का। समुंदर में कट जाएगी 50 साल पुरानी रानी। अभी आपको लेके चलता हूँ, इंजन रूम हमारा रह गया है, इंजन रूम में लेके चलता हूँ आप लोगों को। इंजन रूम का वीडियो दिखाता हूँ, बाकी आपको ऑलमोस्ट सारा एरिया दिखा दिया, ब्रिज दिखा दिया, मक्की आइलैंड दिखा दिया है, स्टोर्स वगैरह का दिखा दिया सारा। इंजन रूम रह गया, तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। किसका सर्विस लेटर? किनको? एक्सपीरियंस लेटर। ये रहा बेसिकली ईसीआर, ईसीआर रूम। टेबल है बड़ा साहब का, बड़ा साहब पीछे सोफा। अभी थोड़ा सा मैसी होगा क्योंकि सारा कुछ रैप अप हो रहा है, पीछिंग के लिए तैयारी चल रही है। तो ये जो है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। और ये पीछे रहा हमारा इंजन रूम का एक स्टोर बेसिक, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एल्बोस जॉइंट्स वगैरह सारा रखा है, क्लैंप्स वगैरह रखी हैं थोड़ा सा वैसी। ये फिटर वर्कशॉप है। टाटा स्पैनर्स वगैरह यहाँ पे होते हैं अभी तक। और एक स्टोर है हमारे पास ये, जिसमें सारे फिल्टर, मेन इंजन जनरेटर्स के सारे फिल्टर्स, आरओ के फिल्टर्स, सारा कुछ यहीं पे पड़ा होता है और थोड़े दिनों बाद पड़ा होता था। और ये अलमीरा है, इसमें भी हमारे स्टोर्स हैं, स्पैनर्स पड़े हैं। बंद तो भी आपको क्विकली लेके चलता हूँ इंजन रूम में। थोड़ा नॉइजी रहेगा, मैं इसके लिए आपको क्या करूँगा, वॉइस ओवर करके मैं आपको देता हूँ। तो ये स्लाइट हल्की हल्की आवाज़ रखी है मैंने इंजन की, इंजन रूम की, जनरेटर्स की, ताकि आप लोग को भी वो फील आनी चाहिए। ये अभी एंटर हो गए इंजन रूम में, अभी आपको दिखाते हैं पूरा इंजन रूम। ये है सामने हमारे जनरेटर नंबर 1, ये पूरा जनरेटर नंबर 2, और ये है हमारा प्योरीफायर, ऑयल प्योरीफायर। बेसिकली ये ख़राब हो गया था रास्ते में। और ये हैं जनरेटर्स के पैनल, जनरेटर नंबर 1, जनरेटर नंबर 2, इलेक्ट्रिकल पैनल, जनरेटर नंबर 3 एंड जनरेटर नंबर 4। सो ये रहा हमारा जनरेटर नंबर 4, और दूसरी तरफ है जनरेटर नंबर 2 जो पहले दिखाया आपको, वो नंबर 3 था। सो 1 2 3 4। और ये रहा हमारा मेन इंजन है हमारा। कौन से मेक का, क्या कोई इंजीनियर देख के बता सकता है? नहीं, B&W का हमारा मेन इंजन है। और ये रहा गियर बॉक्स, यहाँ से नीचे जाती है शाफ्ट जो कि प्रोपेलर को रोटेट करती है। बेसिकली प्रोपेलर टू गियर बॉक्स कनेक्ट रहती है, और गियर बॉक्स आगे मेन इंजन में कनेक्ट रहता है। मेन इंजन चालू, क्लच इन किया, गियर बॉक्स शाफ्ट घुमाता है एंड देन प्रोपेलर घूमता है, और उससे हमारा शिप जो है वो आगे बढ़ता है। ये रहा हमारा मेन इंजन की दूसरी साइड से। और ये है स्टेयरिंग प्रोसीजर, एमरजेंसी स्टेयरिंग पम्प्स हैं ये। ये सामने स्टेयरिंग पम्प्स ऊपर जो है प्रोसीजर लगाए हुए थे। और ये है एमरजेंसी एग्जिट इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, तो ये एग्जिट भी ले सकते हैं। और ये हमारी पूरी सी वाटर लाइंस जो कि आगे कनेक्टेड हैं, आरओ का, फायर पंप का, ये सारी मेन बेसिकली सी सेक्शंस लाइंस हैं, सी वाटर लाइंस हैं। और ये मैनिफोल्ड, और ये रहा फायर पंप इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। स्लो में ओवरव्यू मेन इंजन का देख लीजिए, फिर चलते हैं बाहर।
जनरेटर्स चल रहे हैं, थोड़ी नॉइस है। ये पीछे ऑयल गार्बेज है। हमारे यहाँ पे ओपन ड्राई प्रोविजन स्टोर था जो कि है यहाँ पे। ये हमारा पूरा ड्राई प्रोविजन स्टोर था, ओपन है। तो इसमें हीट्स वगैरह, हीट काफ़ी होती थी धूप के टाइम में, क्योंकि मेटल है तो हीटअप हो जाता। उसको रोकने के लिए ये इंसुलेशन ग्लास वूल लगाया गया था, इससे हमारा प्रोविजन काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाता था और काफ़ी हेल्पफुल होता था। अभी आपको यहीं से लेके जाता हूँ मेन डेक पे। तो ये आ गए हम उस एरिया में जहाँ पे सबसे ज्यादा नॉइस रहती है। और ये तो आपने देख ही लिया पीछे लास्ट वीडियो में, महान महान हो गया, वो भी गलती इसी से। तो चलो गाइस चलते हैं, आज तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी सेफ, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, वेयर ऑल दी सेफ्टी गियर्स। सी टाटा, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।